नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा जिले के सेमरिया बाजार के गढ़ी चौक में बिजली के उपकरणों में आग लगने और फ्रिज के कंप्रेसर जैसे उपकरणों के फटने से आग भड़क गई। आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बताया गया है कि बीती रात्रि 10:30 बजे सेमरिया मुदगल फर्नीचर और इलेक्ट्रिकल में भीषण आग लगी थी। दुकानदार ने दिवाली के त्यौहार देखते हुए फुल स्टॉक कर लिया था, जिससे त्यौहार में ग्राहकों को सभी तरह का सामान मिल सके, परंतु दिवाली से कुछ दिन पहले ही ये खौफनाक दिवाली आ गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के घरों में भी भगदड़ मच गई। लेकिन एक बार फिर सेमरिया के व्यापारियों ने एकता दिखाई और आग बुझाने में पूरा सहयोग किया। किसी ने अपने घर का पूरा पानी निकाला तो किसी ने अपने मोटर पंप को चलाया जिससे आग को बुझाया जा सके, परंतु आग इतनी ज्यादा तेज थी कि 4 फायर ब्रिगेड बुलाना पड़ा। अब वो बात अलग है कि सेमरिया की फायर ब्रिगेड को इतनी जल्दी थी कि बिना पाइप के ही आग बुझाने आ गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।